हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगाया हुआ था जो कि फाइनली मेरे पास आ चुका है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में इसका प्राइस एंड क्वालिटी भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो चलो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से पैक किया गया है। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मंगाया हुआ है जो कि मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी को बाहर निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एक एक करके सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को दिखाऊंगा एंड उसका प्राइस भी आपको बताऊंगा जो कि साइड में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक सैंड पेपर मंगाया था, यहाँ पर आप देखो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद गाइज ये मैंने मंगाया स्प्रे पेंट जो कि 400 ml का है एंड इसका प्राइस 140 रुपये है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है पेंट कर रहा है। एंड भाई हमने बहुत ही अलग अलग जगहों पे इसको ट्राई किया एंड बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट कर रहा है। उसके बाद गाइज ये मैंने मंगाया है कुछ बॉक्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रख सकते हैं एंड भाई बॉक्स की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है एंड प्राइस इसका 7 रुपये है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जिसमें हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ईजिली रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गाइज ये है लिथियम बैटरी जो कि 1200 mAh का है एंड इसका प्राइस एक मुझे 47 रुपीज़ में मिला है और हमने इसका 3 पीस ऑर्डर किया है। और इसी के साथ में हमने जो है बैटरी होल्डर भी मंगाया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो बैटरी काम कर रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा पावर भी है। और गाइस जिसको चार्ज करने के लिए हमने चार्जिंग मॉड्यूल भी मंगाया है क्योंकि इस लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ता है। तो यह टाइप सी का मॉड्यूल जो कि हमें 19 रुपये में मिला है। तो यहाँ पर हम जो है इसकी मदद से बहुत ही सेफली हम बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। एंड उसके बाद गाइस ये मैंने कुछ बल्ब मंगाया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग टाइप के बल्ब है एंड दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देखो ये वाला बल्ब काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस है एंड उसके बाद ये दूसरा वाला जो 1 वाट का बल्ब है एंड इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी ब्राइटनेस देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड ये हमको मिला है 4 रुपये में 1 पीस। उसके बाद गाइस ये मैंने मंगाया है पावर बैंक मॉड्यूल जिसकी मदद से हम एक छोटा सा पावर बैंक बना सकते हैं। हम इस लिथियम बैटरी का यूज करके इससे हम एक पावर बैंक बना सकते हैं जिससे हम मोबाइल को इजीली चार्ज कर पाएंगे। और गाइज ये ऑटोमेटिक है, इसमें मोबाइल में लगाते ही ये जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाता है एंड मोबाइल चार्जिंग से निकालते ही ये जो है बंद हो जाता है। उसके बाद गाइज ये मैंने मंगाया है आर्डियोनो जिसकी मदद से हम बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका प्राइस जो है 249 है। तो यहाँ पर आप देखो इसके साथ इसमें जो है लगाने के लिए कुछ प्लग भी मिला है। तो अगले वीडियो में मैं इससे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। एंड उसके बाद गाइज ये है सोल्डिंग वायर जो कि ओसवाल कंपनी का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये पूरा 40 ग्राम का है। एंड उसके बाद गाइज ये मैंने मंगाया है शोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड। तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी मदद से हम जो है बिना शोल्डिंग किए किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर LED बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लगा सकते हैं एंड बिना शोल्डिंग किए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस ये मैंने मंगाया है डिजिटल थर्मामीटर जिसका प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ हमें 1 मीटर का वायर भी मिलता है एंड पीछे की साइड में कुछ इस प्रकार से 2 सेल्स लगते हैं एंड उसके बाद ये जो है चालू हो जाता है एंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर देखो कि गर्म करने के बाद यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा एंड जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है घट रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और उसके बाद गाइस ये है मिस्ट मेकर मशीन, इसको तो आपने कभी ना कभी देखा होगा किसी भी वीडियो में। तो ये पूरा सर्किट है, तो चलो फटाफट से इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इस पैकेट के अंदर कुछ इस प्रकार से कुछ इतने कंपोनेंट मिलते हैं एंड इसको कुछ इस प्रकार से लगाना होता है। और यहाँ पर जो है टाइप सी का केबल लगता है और इसमें जो है डाटा केबल प्लग करने के बाद यहाँ पर जो है ब्लू कलर का LED ग्लो होगा एंड जैसे ही हम इसको पानी के अंदर रखेंगे, पानी के ऊपर जैसे इसमें टच होगा वो जो है पानी को धुएं में बदलना शुरू कर देगा, मतलब कि पानी को छोटे छोटे कणों में बदल देगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से धुएं की तरह उड़ने लगता है। एंड उसके साथ हमें जो है कुछ इस प्रकार से कुछ पीसेज मिलते हैं जिसको हमें कुछ इस प्रकार से असेंबल करना है। और इस वाले पार्ट को जो है हमें पानी के अंदर डुबाना होता है, उसके बाद इसके अंदर लगाते ही ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने लगता है एंड स्मोक की तरह जो है पानी को ऊपर की तरफ फेंकने लगता है जो कि काफ़ी मस्त लगता है देखने में।
एंड उसके बाद गाइस ये मैंने दो पीस BMS मंगाया है, जिसकी मदद से हम जो है 12 वोल्ट बैटरी पैक बना सकते हैं इस वाली बैटरी की मदद से। तो अगली वीडियो में मैं 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाने वाला हूँ। एंड उसके बाद गाइस ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट, ये एक बहुत ही कमाल का चीज़ होने वाला है, जिसपे प्रेशर अप्लाई करने पर, मतलब इसके ऊपर मारने पर, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है जब जब हम इस पर मार रहे हैं। एंड इसके बाद गाइस ये है रीड स्विच, जो कि मैग्नेट को पास लाने पे ये जो है अच्छी तरीके से काम करने लगता है। जब हम इसके पास मैग्नेट लाते हैं तो ये जो है ऑन हो जाता है, एंड मैग्नेट को दूर हटाते हैं ये ऑफ हो जाता है। एंड उसके बाद गाइस ये मैंने कुछ वायर्स मंगाया है, यहाँ पर आप देखो इस वायर की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि कॉपर का वायर है। एंड उसके बाद ये वाला वायर जो है हमने ब्रेडबोर्ड के लिए मंगाया है, जिसमें प्रोजेक्ट बनाते समय हमें जो है कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कनेक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद गाइस ये मैंने कुछ हीट सिंक ट्यूब मंगाया है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से किसी भी वायर में लगाकर हीट करने पे बहुत ही अच्छी तरीके से उस वायर के ऊपर सेट हो जाता है, एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। गाइस इन सभी सामान और कंपोनेंट को मैंने मेकर बाजार की वेबसाइट से मंगाया है, अगर आपको भी खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।